इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स हैं जो एक विंटर जैकेट के अंदर होने चाहिए। माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ तो भी ठंड नहीं लगेगी आपको, और इनका जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं है। कनाडा के अंदर विंटर सर्वाइव कैसे करते हैं? सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई आज हम आए हुए हैं कॉनेस्टोगा मॉल, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, जो कि पड़ता है वाटरलू के अंदर किचनर के पास। तो इसके अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई कनाडा में विंटर जैकेट्स और विंटर बूट्स कितने के मिलते हैं, और ये सब खरीदते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को सारा हिसाब किताब दिखाते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो ये जो मॉल है ना, इसके अंदर विंटर का सौदा खरीदने के लिए अलग अलग स्टोर्स हैं, जैसे कि विनर्स हो गया, या फिर माउंटेन वेयर हाउस हो गया, हटसन बे हो गया, H&M हो गया, ओल्ड नेवी हो गया। तो वहाँ से हम विंटर की जैकेट्स और बूट्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो थोड़ा ब्राउज करते हैं, आपको प्राइस वगैरह बताते हैं, और मेरे सामने ओल्ड नेवी है तो इसी के अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो यार स्टोर के अंदर आते ही यहाँ पे जैकेट्स पड़ी हुई हैं, इनको आई थिंक पफर जैकेट्स कहते हैं। तो पफर जैकेट पड़ी हुई है, इनका जो प्राइस है वो है $74.99। जब ब्लैक फ्राइडे वगैरह आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा वेट कर लोगे लाइक नवंबर का लास्ट वीक, तो तब आपको 10% या फिर 20% तक का डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये हिसाब किताब है, और इनमें फ़ायदा ये है थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी गर्म है, और इनका जो हुड है ना वो लाइक लाइनिंग सी लगी हुई है, मतलब फ्लीस सी है, तो काफ़ी गर्म है, तो आपको गर्म रखेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि फैशन के चक्कर में नहीं पड़ना कि भाई ऋतिक ने या फिर दिलजीत ने ऐसी जैकेट डाली थी, मैं भी ऐसी डालूंगा। अच्छी गर्म जैकेट लेनी है, ठीक है। तो अभी ये शुरुआत है, आपको वीडियो में आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सौदा दिखाएंगे। और यहाँ पे यार थोड़ी सी और जैकेट्स भी पड़ी हुई हैं, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, लाइक फैशन जैकेट्स कह सकते हो, जैसे कि येलो कलर में या ब्लैक कलर में और आर्मी टाइप के कलर में भी है। इनका जो प्राइस है वो है $84, क्योंकि थोड़ी स्टाइलिश है इसलिए थोड़ी सी महंगी है। और यार यहाँ पे थोड़ी सी भिन्न भिन्न कलर की स्वेटशर्ट्स वगैरह भी पड़ी हैं, इनका जो प्राइस है, वाइट कलर की वैसे अच्छी लग रही है, इसका जो प्राइस है वो है $44, और इसके ऊपर 30% डिस्काउंट भी है। तो 44 का 30% कितना हो गया, 10% होता है $4, 4.4, और 30% हो जाएगा 12, तो 44 में से 12 गए, $32 की ये स्वेटशर्ट्स हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। और बेसिकली कनाडा में हिसाब किताब क्या है कि लेयरिंग का सिस्टम चलता है, तो आप ऐसी स्वेटशर्ट डालोगे उसके ऊपर अपनी विंटर जैकेट डाल दोगे, ठीक है। तो जब अपने कॉलेज जाओगे या फिर पार्ट टाइम जॉब पे जाओगे, तो वहाँ पे जाके अंदर इंडोर्स में जाके आप अपनी जैकेट उतार दोगे, क्योंकि अंदर हीटर वगैरह ही चल रहे होते हैं तो गर्मी लगेगी, ठीक है। तो हिसाब किताब होता है, बाकी अब किसी और स्टोर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर विंटर वाला हिसाब किताब नहीं है, बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं विनर्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स की जैकेट्स वगैरह मिल जाएंगी, महंगे महंगे ब्रांड्स की सस्ते प्राइस में। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सौदा मिलता है, वैरायटी भी काफ़ी सारी होती है। तो यार आप मेरे दोनों साइडों पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी वैरायटी है जैकेट्स वगैरह की। तो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि जैकेट खरीदते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ जी, तो यार जैसे कि आप ये जैकेट देख सकते हो, अब इसके अंदर सारे के सारे फीचर्स हैं जो एक विंटर जैकेट के अंदर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है हुड। तो इसके हुड पे प्रॉपर लाइनिंग है अंदर, जो आपको गर्म रखेगा, वार्म रखेगा। साथ के साथ इसके हुड के ऊपर फर वगैरह है, तो बेसिकली क्या होता है जब स्नो गिरती है तो अगर आप ये डाल लोगे ना, तो वो जो स्नो है ना आपके मुँह पर नहीं आएगी, वो ठंडा ठंडा आपको नहीं लगेगा। मेरे को नहीं पसंद, लेकिन काफ़ी बढ़िया रहता है, मतलब बढ़िया चीज़ होती है। और साथ के साथ अगर मैं इसकी जिप खोलूं तो पूरी जैकेट के अंदर इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है, तो बहुत वार्म जैकेट है। और साथ के साथ यहाँ पे प्रॉपर देखो मेंशनड है कि ये -30 डिग्री के लिए है। तो अगर आप थंडर में जाते हो, या फिर किचनर वाटरलू हो गया, टोरंटो हो गया, या फिर इनफैक्ट अल्बर्टा भी जाते हो, तो वहाँ पे भी ये जैकेट काम कर जाएगी। और साथ के साथ इसके अंदर आप प्रॉपर कोई वार्मर वगैरह डालोगे, या फिर कोई हुडी डाल लोगे, या स्वेटशर्ट डाल लोगे बिना हुड वाली, तो आपका बढ़िया काम चल जाएगा, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो हिसाब किताब है। तो जब भी आप जैकेट खरीदोगे ना, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि उसके ऊपर टेम्परेचर रेटिंग है या नहीं है। अगर -20 या -10 या -30 या -40 की टेम्परेचर रेटिंग होती है, तो बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये तो है, कलर अच्छा नहीं है लेकिन है जो भी। और साथ के साथ इसका जो प्राइस है वो है $149, जो इसका एक्चुअल प्राइस था ना ब्रांड की तरफ से वो था $300, मतलब $299, लेकिन यहाँ विनर्स पे या फिर मार्शल्स जैसे स्टोर्स वगैरह में ये $150 की मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब है। जैसे कि आप ये जैकेट देख सकते हो, अभी ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, इसका हुड भी नहीं है और अंदर से कोई लाइनिंग वगैरह भी नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखेगी। फैशन जैकेट है, लेकिन विंटर्स में अंदर स्वेटशर्ट या वार्मर वगैरह डाल के आपका काम चल जाएगा। और इसका अगर मैं प्राइस बताऊँ तो वो है $79.99, लेकिन ये गैस की है, तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था $198। तो ये हिसाब किताब है। तो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे ब्रांड जो दिलजीत डालता है या फिर गानों में पंजाबी सिंगर डालते हैं, वो वाली जैकेट्स भी आपको मिल जाएंगी विनर्स के अंदर सस्ते दाम पे। और साथ के साथ एक और बढ़िया जैकेट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सीके की भी जैकेट पड़ी हुई है। सीके ब्रांड मेरे को बहुत पसंद है, तो उसकी जैकेट भी बहुत ही बढ़िया पड़ी हुई है। अंदर देखो तो लाइनिंग प्रॉपर वार्म लाइनिंग है, और इसका जो प्राइस है वो है $120 कनेडियन वाले। इसका जो ओरिजिनल प्राइस था सीके वालों की तरफ से वो था $299। तो देख ही सकते हो कितना सौदा मिलता है सस्ता है यहाँ। भैया ये तो जैकेट ही बहुत बढ़िया लग रही है, ऊपर से सीके की भी है और $120 की भी है, तो खरीद सकते हैं इसको, अच्छी लग रही है मेरे को। शीशा का
बाकी यार आप जितने भी लोग कनाडा आ रहे हो या फिर ऑलरेडी आप कनाडा में हो, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी स्टोर में ऐसी चीज़ ट्राई करते हो हैंगर से उतार के, तो उसको प्रॉपर हैंगर पे रख के जहाँ से उठाया था वहीं वापस रख देना, ठीक है? थोड़ी कर्टसी होती है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और साथ के साथ यहाँ पे एक न्यू बैलेंस के ग्लव्स पड़े हुए हैं, और साथ के साथ यहाँ पे एडी बावर के भी ग्लव्स पड़े हुए हैं, दोनों गर्म है प्रॉपर, और ये टच वाले हैं, तो आप जब टच करोगे तो आपका फ़ोन चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अगर आप वॉलमार्ट वगैरह में काम कर रहे हो, स्टोर स्टैंडर्ड एसोसिएट की तरह काम कर रहे हो, या फिर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ आपको ओपन में काम करना है, तो कभी कभी फ़ोन चलाना पड़ गया, तो ऐसे ग्लव्स अगर डाले होंगे तो आपको उतारने नहीं पड़ेंगे और आप आराम से अपना फ़ोन यूज़ कर लोगे। तो इस तरीके के ग्लव्स भी आप देख सकते हो। इनका प्राइस अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो पेयर है एडी बावर का, ये है $20 का, और ये जो न्यू बैलेंस का पेयर है इसका प्राइस है $16.99। और यार यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की आपको वो कैप्स वगैरह मिल जाएंगी, सर्दियों वाली $12 की, $16 की, $20 की, बहुत ही प्यारी प्यारी, तो वो सब आप यहीं से खरीदना, किसी महंगे स्टोर में जाके $50 खर्चने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये हरे रंग की कैप मिल रही है, इसका प्राइस है $16.99, और ये ब्लू कलर की कैप मिल रही है जिसका प्राइस है $19.99। तो ऐसा सौदा आपको बहुत मिल जाएगा। दिलजीत ऐसी बड़ी डालता है यार, काम सेट। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं विनर्स के शूज़ के सेक्शन में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको जूते भी मिल जाएंगे। जैसे कि ये पेयर मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, ये कोई उग नाम का ब्रांड है, मतलब UGG कहते हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और अंदर से प्रॉपर वॉर्म भी हैं, प्रॉपर फ्लीस वगैरह है, और इनका जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, प्राइस है $99.99, मतलब $100 के जूते हैं, 6000 रुपये के, तो बहुत ही बढ़िया, और दिखने में भी बढ़िया ही लग रहे हैं। मेरे को ठीक लग रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे लग रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ के साथ अगर आप कुछ सस्ता सौदा खरीदना चाहते हो, तो ये कोई नॉर्मल सा ब्रांड है, कोई ऐसा फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप दिख रहा है आपको अगर, तो प्रॉपर फ्लीस लगी हुई है और विंटर शूज़ हैं, ऊपर से वाटरप्रूफ भी हैं। तो शूज़ देख खरीदते हो, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जो शूज़ खरीदोगे ना वो प्रॉपर वाटरप्रूफ होने चाहिए, क्योंकि अगर स्नो गिरेगी तो वो शूज़ के अंदर चली जाएगी और ठंडा ठंडा लगेगा, पैर ठंडे होंगे तो आप बीमार हो जाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाओगे बीमार। तो वाटरप्रूफ ज़रूर होने चाहिए शूज़, और अंदर से अगर लाइनिंग होगी तो वार्म रखेंगे, ठंड नहीं लगेगी। ये जो पेयर है इसका प्राइस है सिर्फ $49.99, तो काफ़ी सस्ता हिसाब किताब है, तो विनर्स वगैरह में आपको सस्ते जूते मिल जाएंगे, तो ये चीज़ है। हाँ जी, तो यार ये है माउंटेन वेयर हाउस नाम का स्टोर, तो बेसिकली जाना जाता है विंटर्स के कपड़ों के लिए, तो यहाँ पे अंदर काफ़ी सस्ती आपको विंटर जैकेट्स वगैरह मिल जाएंगी, और साथ के साथ अलग टाइप के विंटर्स के कपड़े भी मिल जाएंगे, और काफ़ी सस्ता सौदा होता है, तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को प्राइसेस वगैरह दिखाते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे 40% मिड सीजन सेल भी चल रही है। स्टोर के अंदर घुसते ही मेरे को एक बढ़िया सी जैकेट दिखी है, अलग 2 किलो की तो होगी, मतलब 1.5-2 किलो की जैकेट है। इसकी सबसे बढ़िया चीज़ ये है, एक तो ये वाटर प्रूफ है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप विंटर जैकेट खरीदोगे तो वाटर प्रूफ तो होनी चाहिए। साथ के साथ इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है वो है -60°C, माउंट एवरेस्ट पर चले जाओ तो भी ठंड नहीं लगेगी आपको, ठीक है, मतलब लगा लो हिसाब किताब। और अंदर प्रॉपर गर्म है, हुड पे आपका ये जो फर होता है वो भी है, तो प्रॉपर गर्म जैकेट है -60°C की, और इसका जो प्राइस है वो है $329, लेकिन उसके ऊपर 20% डिस्काउंट है, तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेना है यार, मैं $60 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये हिसाब किताब है इसका। और भी जैकेट्स आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी सस्ती। अब यार ये जो भाई ने जैकेट डाल रखी है ब्लैक कलर की, जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया जैकेट है, इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है वो है -50°C, तो अगर आप अल्बर्टा, सस्कैचवान या फिर थंडर बे टाइप की जगह पे आते हो जहाँ पे -40, -50 का टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पे बढ़िया चल जाएगी। और इसका जो प्राइस है वो है $219, लेकिन 20% डिस्काउंट है, तो आपको पड़ेगी 170 या 180 के आसपास की, तो काफ़ी बढ़िया डील है। तो ऐसे माउंटेन वेयर हाउस में आपको बढ़िया बढ़िया जैकेट्स वाटर प्रूफ -50, -40 वाली काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी। अब आपको थोड़ा सा सस्ता सौदा दिखाते हैं। तो यार यहाँ पे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बढ़िया बढ़िया कलर्स के जिपर्स वगैरह मिल जाते हैं, $80 के, $60 के, $70 के, जो आपको काफ़ी गर्म रखेंगे, -10, -20 तक बढ़िया चल जाएंगे। अंदर वार्मर डालो, ऊपर ये जिपर डाल लो, तो आपका काम बढ़िया चल जाएगा। अब यार ये जो दो जैकेट आप देख सकते हो, दोनों डाउन फिलिंग वाली जैकेट है, तो बेसिकली डाउन फैदर करके कोई मटीरियल नेचुरल आर्टिफिशियल पता नहीं क्या होता है, लेकिन डाउन फिलिंग होती है जैकेट्स के अंदर, तो जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी ना डाउन फिलिंग की, उतनी जैकेट ज़्यादा गर्म होती है। ये दोनों वैसी हैं, इसका जो प्राइस है वो है $150, इसका जो प्राइस है वो है $100, और ये -30 तक चलेगी और ये -15 तक चलेगी, तो दोनों बढ़िया जैकेट हैं। तो अगर आप टोरंटो, किचनर, वाटरलू या फिर हैमिल्टन टाइप की जगह पे आते हो, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया जैकेट्स हैं, तो काम चल जाएगा आपका सस्ते में। मैं जब यहाँ पे आया था कनाडा, तो मैंने $50 की ली थी, डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, वो -30 वाली जैकेट थी, तो ये सिस्टम है। तो ऐसी आप जैकेट ले सकते हो, इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, हल्की सी जैकेट है, पतली पतली है, लेकिन आपको गर्म रहे। माउंटेन वेयर हाउस पे आपको विंटर बूट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो बहुत ही सेक्सी सा ब्राउन कलर का पेयर है, इसका जो प्राइस है वो है $200 का, ये पेयर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसके ऊपर प्रॉपर रेटिंग वगैरह दे रखी है, -30° तक ये बूट्स आपके चल जाएंगे, और इसके अंदर कोई बढ़िया सी टेक्नोलॉजी है, आइसो थर्मल 400 टेक्नोलॉजी,
तो ये हिसाब किताब है। तो ऐसे शूज़ वगैरह आप ले सकते हो माउंटेन वेयर हाउस, कोलंबिया या नॉर्थ फेस वगैरह जाके। बच्चों को भी शूज़ मिलते हैं प्रॉपर गर्म है अंदर से सिस्टम सेट। इनका जो प्राइस है वो है $50। और बाकी यार स्टोर जाना जाता है विंटर का सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको विंटर के ग्लव्स और विंटर की ये कैप्स वगैरह मिल जाएंगी। जब मैं आया था मैंने $50 की दो ली थी, डिस्काउंट वगैरह चल रहा था तो 2 for $50 चल रहा था, तो मैंने ऐसी हैट्स वगैरह ली थी जो भी कैप कहते हैं इसको $50 की। तो इसका जो प्राइस है वो है $22, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, और इनका प्राइस है $44 क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है और वो टच वाले भी हैं। अब यार ऐसे स्टोर जैसे कि माउंटेन वेयर हाउस हो गया, नॉर्थ फेस हो गया, कोलंबिया वगैरह हो गया, यहाँ पे जैकेट बहुत सारी होती है, बहुत वैरायटी होती है, कलर्स बहुत सारे होते हैं, स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, तो हर एक तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। मेन ना मैंने आपको दिखा दिया और प्राइसेस का आपको आइडिया दे दिया कि इतने की आपको बढ़िया विंटर जैकेट मिल जाएगी। अब चलते हैं हटसन पे। यार एक रूट्स नाम का भी ब्रांड होता है, बेसिकली कनेडियन ब्रांड है, इसके अंदर भी काफ़ी गर्म कपड़े मिल जाते हैं, टी शर्ट होगी, जैकेट होगी, स्वेटशर्ट्स वगैरह होगी, हुड वाली, बिना हुड वाली, सारा सौदा मिल जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। लाइक एक जो टी शर्ट होती है वो $50 या $60 की होती है, तो थोड़ा महंगा हिसाब किताब है, अपने लिए तो नहीं चलेगा। तो आगे चलते हैं। अब यार बोलते बोलते बहुत थक गए हो, मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, तो अंदर जैकेट वाले सेक्शन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यार ये जो सेक्शन है ना, ये जैकेट्स का सेक्शन है हडसन बे के अंदर, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी अलग अलग टाइप की जैकेट्स की, हुड वाली होगी, बिना हुड वाली होगी, ऑफिस गोइंग होगी, कैजुअल होगी, डाउन फिलिंग होगी, पार्का जैकेट होगी, हर तरीके की जैकेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। $100 की, $200 की, $50 की, $60 की, $300 की, पूरी वैरायटी यहाँ पे मिलती है। और साथ साथ यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के एरियाज़ है, वहाँ पे भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जैकेट्स मिल जाएंगी। तो यही है, बाकी जैकेट्स में बताने वाला यही है कि वाटरप्रूफ होनी चाहिए, टेम्परेचर रेटिंग होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और साथ के साथ गर्म होगी, हुड होगी, उस हुड के ऊपर फर होगा, तो ये सारा काम होगा, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, स्नो से बचे रहोगे। और यार आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करके पूछते हो कि भी कनाडा के अंदर विंटर सर्वाइव कैसे करनी है। मेरे हिसाब से जो सर्वाइव वर्ड है ना वही गलत है, आपको पूछना चाहिए कि भी कनाडा के अंदर विंटर को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि एक दो साल के लिए तो आ नहीं रहे, ना ही किसी जंगल में जा रहे हो कि भाई सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको हैंडल करने का यही तरीका है कि आपको प्रॉपर तरीके की अच्छी क्वालिटी की जैकेट खरीदनी है, प्रॉपर अच्छे शूज़ खरीदने हैं, और जो भी आप चीज़ें खरीदोगे, टी शर्ट होगी या फिर वार्मर वगैरह हो गए या फिर जिपर वगैरह हो गए, वो सब अच्छी क्वालिटी के खरीदो, आराम से आप सर्वाइव कर लोगे, हैंडल कर लोगे। और जब बाहर निकलोगे तो ब्लैक आइस से बच के रहना है क्योंकि वो स्लिपरी होती है काफ़ी, और जब आप यहाँ पे आओगे, चीज़ें अपने आप सीखोगे, एक्सपीरियंस होगा, तो सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत जनता रहती है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, तो यार ये था सारा हिसाब किताब विंटर जैकेट्स और विंटर बूट्स का, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जब ये सारी चीज़ें आप खरीदोगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये सारा सौदा आपको कितने का मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।